चलिए, तो बात हम लोग कर रहे थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है उसके बारे में बात कर रहे थे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे इंटीजर के बारे में बात हो रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर पार्ट के बारे में। तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है y इक्वल टू कैपिटल ब्रैकेट ऑफ x होता है। क्या होता है? कैपिटल ब्रैकेट ऑफ x। तो जब भी ये लिखा, ब्रैकेट लिखा हुआ है और ब्रैकेट के बगल में ऑलरेडी हमेशा ये मेंशन किया जाता है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ऑलरेडी मेंशन होता है। अगर ये मेंशन नहीं तो इसका मतलब सिंपल सा है कि ये नॉर्मल ब्रैकेट है। अगर ये मेंशन है तभी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। बात समझ में आ रही है? दिस वन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब एक्चुअल में होता क्या है कि वाई के ब्रैकेट एक्स है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक चीज समझिएगा कि जब भी ब्रैकेट एक्स है तो एक्स की अगर वैल्यू किसी भी इंटीजर, एन यहाँ पर इंटीजर है, ध्यान रखिएगा एन क्या है, इंटीजर है, और एन मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में है, ध्यान रखिएगा दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में है, तो ब्रैकेट एक्स की वैल्यू ऑलवेज बी एन होगी। क्या होगी? ऑलवेज एन होगी, मतलब लेफ्ट इंटीजर होगा हमेशा। क्या होगा? लेफ्ट इंटीजर, क्योंकि ये लेफ्ट पार्ट है। तो वैल्यू क्या आएगी ब्रैकेट की? ब्रैकेट की वैल्यू एन आएगी। चलिए, तो अब हम और बात कर लेते हैं इसकी। हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। नंबर लाइन मान लीजिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे ही -1, -2, -3। ठीक है, हमने कुछ नंबर्स प्लॉट कर लिए हैं, नंबर्स प्लॉट कर लिए, तो हमेशा आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कहाँ जाना है, लेफ्ट इंटीजर पर। कहाँ जाना है? लेफ्ट इंटीजर। कहाँ जाना है आपको? हमेशा लेफ्ट इंटीजर पर जाना है। मीन्स क्या है? मीन ये है, अगर मान लीजिए ब्रैकेट में 2.5 दिया गया है, क्या दिया गया? 2.5, तो ऑब्वियस सी बात है 2.5 यहाँ कहीं लाई करेगा। अगर यहाँ पर 2.5 लाई करता तो आप कहाँ जाओगे? लेफ्ट इंटीजर पर। 2.5 कहाँ जाएगा? लेफ्ट इंटीजर पर। तो ब्रैकेट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 2 आएगी। ठीक है, अगर यही वैल्यू 2.999 समथिंग दी गई है, 2.999 समथिंग दी गई, तो इसका मतलब भी क्या है? 2.9 कहाँ होगा? 3 से के लेफ्ट होगा, और 3 के लेफ्ट है तो आप बीस बातें कहाँ जाओगे? 2 पर जाओगे। बात समझ में आ रही है? अगर यही वैल्यू -1.5 दी गई है, तो -1.5 यहाँ कहीं होगा, इसका लेफ्ट इंटीजर -2 होगा। बात समझ में आ रही? तो हमेशा आपको कहाँ जाना है? हमेशा लेफ्ट इंटीजर पे जाना है। हमेशा कहाँ जाना है? लेफ्ट इंटीजर पे। अगर मान लीजिए ब्रैकेट 2 दिया गया है, ऑलरेडी एक इंटीजर दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर क्या है? इंटीजर, तो इंटीजर का मतलब इंटीजर ही होता है, आप कहीं पे भी मूव नहीं करोगे। क्या होगा? इंटीजर होगा। तो मॉड ब्रैकेट के अंदर अगर इंटीजर पार्ट दिया गया है तो हमेशा क्या आएगा? इंटीजर पार्ट आएगा। और कोई भी अगर मान लीजिए रियल नंबर दिया गया तो उसका केवल इंटीजर पार्ट आप लेंगे, लेफ्ट इंटीजर। क्या लेंगे? लेफ्ट इंटीजर लेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ब्रैकेट के अंदर एक्स है, एक्स तो कुछ भी हो सकता है, एक्स तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वाई आ रहा है, वाई देखिए यहाँ पर, वाई जो भी आ रहा है, वो वाई जो है वो हमेशा कैसा आ रहा है? इंटीजर आ रहा है। वाई क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब सीधा सा है कि इसके अगर डोमेन के बारे में बात की जाए, डोमेन, तो डोमेन तो रियल होना चाहिए। डोमेन क्या होगा? रियल नंबर होगा। और रेंज क्या होनी चाहिए? रेंज होनी चाहिए इंटीजर। क्या होगी? इंटीजर होगी। तो इसकी रेंज क्या जानी चाहिए? इंटीजर आनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। ठीक है, ग्राफ के बारे में बात करते हैं, तो ग्राफ के बारे में कुछ चीजें के बारे में बात कर लेते हैं। ग्राफ जो होगा इसका कुछ स्टेप्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया एक्स, हो गया ये वाई, हो गया हम इसके कुछ पार्टीशन कर लेंगे। दिस वन 1, ये हो गया 1, ये 0, सेम ये हो जाएगा 2, 3 हमने ले लिया, -1,
माइनस टू माइनस थ्री, वाई इज इक्वल टू वन टू थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। हमने कुछ पार्ट्स कर लिए हैं इसके। चलिए तो अब बात करते हैं कि हमेशा कैसा आता है, लेफ्ट इंटीजर आता है। तो अगर मान लीजिए x की वैल्यू, हम लोग ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, x किसके बीच में 0 से 1 के बीच में है। अगर मान लीजिए x इज लाई बिटवीन 0 टू 1, देन y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि आप कहाँ जाओगे, लेफ्ट इंटीजर पर जाओगे। कहाँ जाओगे, लेफ्ट इंटीजर पर। तो y क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 कुछ इस टाइप से। ठीक है, और ध्यान रखिएगा 1 पर इक्वल नहीं है, 1 पर इक्वल नहीं, इसका मतलब ये है कि हम कहाँ जाएंगे, इसका एक स्पेस दिखाएंगे, एक सर्कल दिखा देंगे। ठीक है, बात समझ में आई, सर्कल दिखा देंगे। अच्छा, वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आनी चाहिए। तो अगर वैल्यू 1 आई तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, अगेन 2 पर स्पेस दिखाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इक्वल नहीं दिखाते हैं। 2 से 3 के बीच में वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी, और यहाँ पे अगेन हम स्पेस दिखाएंगे। माइनस 1 से 0 के बीच में वैल्यू, लेफ्ट इंटीजर मतलब माइनस 1, अगेन स्पेस, फिर यहाँ पर भी ऐसे ही, और फिर यहाँ पर भी ऐसे। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ स्टेयर के टाइप का होता है। ठीक है ना, स्टेयर टाइप का होता है, बात समझ में आ रही। ये कैसा होता है, स्टेयर टाइप का ग्राफ होता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, x के तो सब मूव कर रही है, लेकिन y क्या रहा है, केवल इंटीजर्स आ रहे हैं। y क्या रहे है, इंटीजर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा कुछ कई बार ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है, जैसे मान लीजिए अगर ब्रैकेट के अंदर मान लीजिए 2 माइनस कह दिया जाए, 2 माइनस का मतलब क्या है, 2 से थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम का मतलब लेफ्ट 1 हो जाएगा। तो चीज़ें ध्यान रखिएगा, 2 से थोड़ा सा अधिक, अगर मान लीजिए ब्रैकेट में कह दिया जाए 2 प्लस, तो 2 से स्लाइटली मोर, 2 प्लस स्लाइटली मोर का मतलब आप इधर आएंगे और 2 की तरफ जाएंगे, वैल्यू आएगी 2। 2 माइनस का मतलब 2 से स्लाइटली कम, आप कहाँ जाएंगे, 1 पे जाएंगे। ये बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बातें हो गई। अब हम लोग बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का एप्लीकेशन, इसे हम यूज़ कैसे करें। तो हमेशा ध्यान आपको ये रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमेशा पार्ट कैसा होगा, इंटीजर आएगा, और हमेशा कैसा, लेफ्ट इंटीजर आएगा। चलिए बात करते हैं हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो ब्रैकेट एक्स क्या है, ब्रैकेट एक्स का मतलब इंटीजर होता है। ठीक है, तो अगर ब्रैकेट एक्स इंटीजर है तो इसकी एक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स दिया गया है और एक्स जो है इंटीजर है, एक्स क्या बेटा इंटीजर है, अगर एक्स इंटीजर है तो इसका मतलब सीधा से क्या होगा कि वैल्यू बेटा माइनस एक्स होगी। सिंपल, क्या होगी, माइनस एक्स होगी, क्योंकि अगर माइनस टू होता तो वैल्यू माइनस टू होती। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर इंटीजर नहीं है, अगर इंटीजर नहीं है तो, अगर इंटीजर नहीं होगा तो क्या होगा, मान लीजिए मॉड की ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स दिया गया है और ये इंटीजर नहीं है, मीन्स अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू माइनस 2.5 है, यहाँ पे वैल्यू क्या बेटा माइनस 2.5 है, तो माइनस 2.5 का ब्रैकेट क्या होगा, माइनस 3 होना चाहिए। तो माइनस 3 अगर हो रहा है तो इस वैल्यू को कैसे लिखेंगे, इस वैल्यू को माइनस 3 कैसे लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को अगर हम मान लीजिए माइनस का 2.5, इसका मतलब हो कि माइनस का अगर हम ब्रैकेट एक्स कर लें तो अब एक्स की वैल्यू क्या है, 2.5 है। अब समझते रहिएगा, एक्स की वैल्यू क्या होता, 2.5 है, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अगर हमने यहाँ पे माइनस यूज़ कर दिया तो वैल्यू माइनस 2 हो गई, और यहाँ पे हम क्या कर लें, माइनस 1 कर लें, तो वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी, माइनस 3 पर पहुँच जाएगी, तो हमारा रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर एक्स की वैल्यू अगर इंटीजर नहीं है, एक्स अगर इंटीजर नहीं है तो बात ये हो रही है कि हम बात करें माइनस के 2.5 की, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस 3। हमने बात की कि अगर इसको, अगर हमने ऐसा लिख दिया माइनस का ब्रैकेट 2.5 और माइनस का 1 कर दिया, तो देखिए रिजल्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस 2 आएगी, माइनस का 1 मतलब माइनस 3 आ जाएगी।
क्लियर है। तो बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ये हो जाएगा। सेकंड, अगर हम बात करें कि अगर ब्रैकेट के अंदर अगर x प्लस का z दिया गया है, x के साथ आपने कोई इंटीजर पार्ट ऐड कर दिया, x कुछ भी हो सकता है, आपने क्या किया उसके साथ इंटीजर ऐड कर दिया, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, हम ब्रैकेट x को अलग कर सकते हैं और इंटीजर को अलग कर सकते हैं, इंटीजर को अलग कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, समझते थोड़ा सा। अगर मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर 2.5 दिया गया और प्लस का 2 दिया गया, इसका मतलब क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर 4.5 आएगा और इसकी वैल्यू क्या जानी चाहिए, 4 हो जानी चाहिए, ठीक है, वैल्यू क्या जानी चाहिए, 4 आ जानी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर 2.5 लिखा और प्लस का 2 लिखा, तो भी तो वैल्यू 4 आ रही है, तभी वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। इसका मतलब ये चीज़ें सही है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड सेकंड प्रॉपर्टी, तो ब्रैकेट के अंदर कभी भी इंटीजर आएगा तो क्या कर सकते हैं, उसे हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड। अगर मान लीजिए x ब्रैकेट x है और माइनस का ब्रैकेट माइनस का x हो गया, तो अगर इस केस में बात की जाए कि अगर x इंटीजर है, x क्या होता है, इंटीजर है, x अगर क्या हो गया, इंटीजर हो गया, तो अगर x इंटीजर हो गया तो ये माइनस का ब्रैकेट x जो होगा वो माइनस x होना चाहिए, क्या होगा, माइनस एक्स होगा। अगर ये माइनस एक्स हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा टू ब्रैकेट एक्स हो जाएगा, टू ब्रैकेट एक्स हो जाएगा। अच्छा, अगर एक्स इंटीजर नहीं है, एक्स इंटीजर नहीं है, तो उस केस में इस ब्रैकेट एक्स के दो, ब्रैकेट एक्स क्या होगी, ब्रैकेट एक्स की वैल्यू मान लेते हैं ब्रैकेट एक्स है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी माइनस का ब्रैकेट एक्स माइनस का वन, मतलब अगर हम यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे तो यह आएगा टू टाइम्स ब्रैकेट एक्स प्लस होना जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर इनकेस कभी दिया जाता है ब्रैकेट एक्स प्लस इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन बाई टू वन बाई एन प्लस इन ब्रैकेट एक्स प्लस टू बाई एन प्लस अप टू इन ब्रैकेट एक्स प्लस एन माइनस वन अपॉन एन, तो इसकी वैल्यू होती है इन ब्रैकेट एन इंटू एक्स, इन ब्रैकेट एन इंटू एक्स होती है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें इन तीन प्रॉपर्टीज को यूज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो इसे कंप्लीट कर लीजिए। तो हम बात करेंगे अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल से लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस, सॉरी हमने लिखा 1/2 प्लस 1/199 प्लस 1/2 प्लस 2/199 प्लस 1/2 प्लस 3/199 अप टू हम लेके गए इसे 1/2 प्लस 100/200/199, ठीक है। वैल्यू कहाँ तक लेके गए, 200/199 तक, ठीक है। सिंपल सा काम है, हमारे पास फॉर्मूला भी है इसका, अभी बताया था फॉर्मूला। ये x हो गया पूरा और ये हो गया 1/x, 2/x, 3/x, इस टाइप से 3/n इस टाइप से। अब एक चीज़ को समझते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको। आपको ये पता है कि ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू होती है, अगर देखा जाए तो ये 1/2 और प्लस ये जो वैल्यू है ये 1/2 तो नहीं हो सकती, ये 1/2 से छोटी है। बात क्या करते हैं हम, ये वैल्यू क्या है, 1/2 से लेस है। अगर 1/2 से लेस है, 1/2 है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, 1 से लेस आएगा। ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू अगर हम सम करें तो लेस देन 1 आएगा, सम करने पे क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। अगर ये लेस देन 1 आ गया तो इसका ब्रैकेट क्या होगा, 0 होगा, 1 से छोटी वैल्यू का ब्रैकेट 0 होता है। ऐसे अगर हम देखें यहाँ पे 2/199, ये वैल्यू भी 1/2 नहीं है, 1/2 से लेस है, तो अगेन इसका ब्रैकेट क्या आएगा, 0 आएगा। मीन्स ये सारी वैल्यू कहाँ तक जाएंगी, इसके बीच में कहीं आया होगा 1/2 प्लस 100/199,
हंड्रेड अपॉन 199। तो अगर ये 100 अपॉन 199 है तो समझिए थोड़ा, ये वैल्यू 1 बाई टू से ज़्यादा हो गई, ठीक है, 1/2 से ज़्यादा, क्योंकि अगर ये 200 होता तो उसके इसमें 1/2 होता, ये वैल्यू 200 से कम है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 से ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये 1/2 से ज़्यादा हो गई और ये 1/2, तो मतलब इसका कंक्लूजन क्या आया, इसका वैल्यू जो होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी 1 से ग्रेटर आएगी, और 1 से जब ग्रेटर आएगी ये वैल्यू क्या आएगी, 1 से ग्रेटर आएगी, तो इस ब्रैकेट की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 1+। तो मतलब बात हो रही है स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट हुई, वो 100 से आई, फिर 101 देखिए तो भी वैल्यू 1 आएगी। ऐसे ही हम अगर यहाँ तक की बारे में बात करें तो ये वैल्यू 1 point something है, क्या है ये 1 point something है, ये वैल्यू 1 point something है, लेकिन 1.5 के समथिंग नहीं है, 1.5 के समथिंग नहीं है, ठीक है ना। तो ये 1 point something और प्लस 1/2, मतलब ये दोनों का कंक्लूजन जो निकलेगा, इन दोनों का सम जो आएगा वो 2 से लेस आएगा, 2 से लेस आएगा, और 2 से लेस का ब्रैकेट 1 होता है, तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। मीन्स अगर देखा जाए तो 100 से लेकर 200 तक कितने नंबर्स होंगे, 100 से लेकर 200 तक कितने नंबर्स होंगे, 101 नंबर्स, बात समझ में आई। तो कितने टाइम्स होगा, 101 टाइम्स। तो इसका रिजल्ट देखा जाए तो 101 आएगा, रिजल्ट क्या आएगा इसका, 101 आएगा, बात समझ में आ गई होगी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके बेटा, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, वेयर ब्रैकेट इज अ जीआईएफ फंक्शन, देन एक्स इज इक्वल टू। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन दिया गया वो एक ये है, ब्रैकेट ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस 2 दिया गया है, और प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट में अगर एक्स के साथ कोई इंटीजर वैल्यू होती है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। मीन्स हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी बात हो गई है तो इसको हम लोग ऐसा भी तो कुछ लिख सकते हैं, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट ऑफ एक्स लिख सकते हैं और माइनस का 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और सिंपली हम क्या करें, इसे फैक्टराइज कर देते हैं। अगर हमने इसे फैक्टराइज किया तो ये वैल्यू क्या आएगी, ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगी, माइनस का 2 टाइम्स ब्रैकेट ऑफ एक्स होनी चाहिए और प्लस का ब्रैकेट ऑफ एक्स होगा और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देन देखिए यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ एक्स कॉमन आ गया, ये आएगा ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस 2 और प्लस ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस 2। चलिए तो यहाँ पे आपको वैल्यू जो मिल रही है वो ब्रैकेट ऑफ एक्स के अंदर 2 आ रही है और ब्रैकेट ऑफ एक्स के अंदर क्या आ रही है बेटा, माइनस का 1 आ रही है, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ एक्स के अंदर क्या आ रही है, 2 आ रही है और ब्रैकेट ऑफ एक्स के अंदर माइनस 1 आ रही है। समझते हैं थोड़ा सा, अगर मान लीजिए ब्रैकेट ऑफ एक्स के अंदर 2 है, मतलब हम कहाँ पर हैं, 2 पर हैं, कहाँ पर हैं, 2 पर। तो आपको ये पता है कि 2 से लेकर 3 के बीच की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सभी कहाँ आती हैं, 2 पे आती हैं, ठीक है। तो अगर बात की जाए कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, 2 से लेकर के 3 के बीच की कोई भी वैल्यू होगी, 2 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू होगी उसका ब्रैकेट क्या आएगा, 2 आएगा, बात समझ आ रही। 2 से 3 के बीच की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। सिमिलरली अगर बात करते हैं माइनस 1 की, माइनस वन कब आएगा, तो माइनस 1 आपको पता है लेफ्ट इंटीजर, तो माइनस 1 और 0 के बीच की जितनी वैल्यूज होंगी वो सब कहाँ आएंगे, माइनस 1 पर। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए बेटा, माइनस 1 टू 0 होना चाहिए, ये बात समझ में आई। तो एक्स के तो फाइंड आउट हो जाएगी, सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया, ठीक है। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 2, 3 आएगा, -1, 0 आएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही, 2, 3 और -1, 0। अच्छा इसको चेक कर लेते हैं, ये -1, 0 यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट लगा हुआ है तो इस कंडीशन को हम लोग होल्ड नहीं कराएंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, बात समझ में आ गई। चलिए तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन दिया हुआ द वैल्यू ऑफ इन ब्रैकेट साइन एक्स प्लस का ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स प्लस 1 दिया गया, ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स प्लस 2 दिया गया है, और आपको वैल्यू पूछी गई इन एक्स बिलोंग्स टू पाई से 3π/2 बोला गया है। चलिए सोचते हैं इसको, तो एक्चुअल में आपको ये पता है कि अगर ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स दिया गया है तो प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं,
ठीक है, और प्लस का इसको हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट साइन एक्स प्लस का टू लिख सकते हैं, सिंपल। इंटीजर पार्ट को क्या कर दिया, अलग कर दिया, इंटीजर इसका अलग। मीन्स ये जो हो गया, ये हो गया थ्री टाइम्स ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स हो गया और प्लस का वैल्यू आ गया थ्री, ठीक है। अब ब्रैकेट साइन एक्स, अब ये समझते हैं साइन एक्स की वैल्यू जो है, जो एक्स है वो कहाँ लाई कर रहा है, पाई से थ्री पाई बाई टू के बीच में। तो पाई से थ्री पाई बाई टू के बीच की बात करें तो साइन एक्स के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। साइन एक्स आपको पता है कि ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जीरो ये होता है पाई बाई टू, ये पाई, ये वैल्यू होती है थ्री पाई बाई टू और ये होती है टू पाई, ठीक है। हमें बात जो की गई वो पाई से थ्री पाई बाई टू के बीच में बात की गई है, मतलब पाई से थ्री पाई बाई टू के बीच में बात की गई, इसके बारे में बात की गई है, ये हिस्सा, ये पार्ट, समझ में आ रहा, इस पार्ट के बारे में बात की गई। अच्छा, इस पार्ट की जो वैल्यू देखेंगे आप तो इस पार्ट की जो वैल्यू होगी वो यहाँ कहीं लाई करेगी, और इसका जो लोएस्ट वैल्यू है, अब देखिए ये माइनस वन से लेकर कहाँ तक होता है, प्लस वन तक होता है, तो ये जो पार्ट है ये एक्चुअल में जीरो से लेकर के माइनस वन के बीच में है, जीरो से माइनस वन के बीच में है, समझ में बात आ रही है, ये वैल्यू क्या है, जीरो से माइनस वन के बीच में। अगर ये जीरो से माइनस वन के बीच में है तो उसका ब्रैकेट क्या होगा, ये वैल्यू जो है जीरो से माइनस वन के बीच में है तो उसका ब्रैकेट क्या होना चाहिए, माइनस वन, लेफ्ट इंटीजर। मीन्स ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी थ्री टाइम्स माइनस वन प्लस थ्री, मतलब रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, समझ में आया। मतलब साइन एक्स की जो वैल्यू थी वो पाई से थ्री पाई बाई टू के बीच में, तो इसकी वैल्यू कहाँ, जीरो से माइनस वन के बीच में, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। अगर यही कंडीशन ये होती कि पाई बाई टू से पाई के बीच में तो हम कहाँ पे होते, हम यहाँ होते, और उस केस में वैल्यू क्या होती ब्रैकेट की, जीरो होती, जीरो से वन के बीच की वैल्यू जीरो। यहाँ से लेके यहाँ तक जीरो से पाई के बीच की अगर बात की जाती तब भी उसके ब्रैकेट की वैल्यू क्या होती, जीरो होती, अगर केवल पाई बाई टू को छोड़ दिया जाता। पाई बाई टू पे क्या होता है, एग्जैक्ट वन होता है, पाई बाई टू पे क्या होता है, एग्जैक्ट वन होता है, तो वन पे क्या होता, ब्रैकेट वन होता है, लेकिन जीरो से पाई के बीच में उसकी वैल्यू बाकी सब केस में क्या होती, जीरो होती, क्योंकि सारी वैल्यू कहाँ लाई करती, जीरो से वन के बीच में लाई करती। तो बात समझ में आ रही है, जो कंडीशन दी गई उसके अकॉर्डिंग साइन एक्स की जो वैल्यू है वो उसके ब्रैकेट की वैल्यू माइनस वन है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो इसे अभी आप चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअल में दिया हुआ है, इफ ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स दिया है, ब्रैकेट ऑफ एक्स अपॉन टू पाई दिया है, ब्रैकेट ऑफ टू एक्स अपॉन फाइव पाई दिया है, इज इक्वल टू नाइन एक्स दिया है, देन नंबर ऑफ सोल्यूशंस इन एक्स बिलोंग्स टू 30 to 40 ईच, ऑप्शन आपके पास है 0, 1, 2 एंड इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, बात की गई ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स प्लस का ब्रैकेट ऑफ एक्स अपॉन टू पाई प्लस ब्रैकेट ऑफ टू एक्स अपॉन फाइव पाई इज इक्वल टू दिया गया है 9x/10, ठीक है, और एक्स की जो वैल्यू बिलोंग कर रही है वो बिलोंग कर रही है 30 to 40 के बीच में। तो हमें नंबर ऑफ सोल्यूशंस के बारे में बात करनी है। सिंपल चीज, एक चीज़ समझिए, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू। ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटीजर, ये ब्रैकेट भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटीजर, ये ब्रैकेट भी इंटीजर, और ये सारे इंटीजर्स का जो सम होगा वो कैसा आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। मतलब अगर ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो इसका रिजल्ट कैसा, इंटीजर होना चाहिए। मीन्स जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है 9x/10 मस्ट भी क्या होना चाहिए, मस्ट भी इंटीजर। अगर एक चीज सोचिए, अगर ये इंटीजर है, ये क्या है, इंटीजर है, तो सिंपल सा है कि जो एक्स होगा वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 10 से डिवाइड होगा तभी तो ये इंटीजर बनेगा। मीन्स एक्स, एक्स मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 10। बात समझ में आ रही है, x क्या होना चाहिए, x मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 10, क्योंकि 10 से डिवाइड होना ही चाहिए, क्योंकि इंटीजर चाहिए मुझे। तो अगर x मल्टीपल ऑफ 10 है तो इसका मतलब ये होगा कि हो क्या सकता है, यहाँ पे 10 हो सकता है, क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, और फिर क्या हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, इस टाइप से सारे नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि हम लोग को वैल्यू क्या निकालनी है, ठीक ना। यहाँ पे वैल्यू इसके बीच में होनी चाहिए। तो एक्चुअल में यहाँ पे कुछ, एक मिनट, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्चुअल में पाई का मल्टीप्लीकेशन है बेटा, पाई मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे भी क्या करेंगे, पाई मल्टीप्लाई करेंगे। तो पाई मल्टीप्लाई अगर किया गया तो एक्स मल्टीपल किसका होना चाहिए, 10 पाई का होना चाहिए, 10 पाई का। किसका मल्टीपल होना चाहिए, 10 पाई का। तो 10 पाई का मतलब यहाँ पे 10 पाई हो जाएगा, यहाँ पे 20 पाई होगा, यहाँ 30 पाई होगा, यहाँ पे 40 पाई होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा करेक्शन था, यहाँ पे पाई होगा। तो अब ये सारे नंबर्स होने चाहिए, लेकिन हमारी जो रेंज दे रखी है वो एक्स की क्या दे रखी है, 30 से 40 के बीच में दे रखी है। तो 30 से 40 के बीच में दे रखी है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 31.4 लगभग में। ये वैल्यू मतलब 3.14 का मल्टीपल 20 से कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, 40 से एबव हो जाएगी। तो हमारे पास केवल एक ही वैल्यू आएगी विच लाई बिटवीन 30 to 40। तो हमारे पास क्या आएगा, वन सोल्यूशन आएगा। क्या आएगा, वन सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन था जो कि कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ पे आ गया 10 पाई और आंसर हमारा जो आएगा दैट इज अ बी सेक्शन, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, तो जो भी ध्यान से देखिए, ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर, तो रिजल्ट कैसा, इंटीजर। तो हमें इंटीजर मेंटेन करना था, ओके ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1000 और ब्रैकेट क्या है, GIF है, अगेन ब्रैकेट दिया गया है, दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 31/30x दिया गया है। सिंपल क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है तो हम लोग इसको भी टैकल कर लेते हैं। और मुझे लगता है ये आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। ब्रैकेट ऑफ एक्स बाई 2 दिया गया है और प्लस का ब्रैकेट ऑफ एक्स बाई 3 दिया गया है प्लस ब्रैकेट ऑफ एक्स अपॉन 5 दिया गया है इज इक्वल टू दिया गया है 31/30x दिया गया है, ठीक है। सिंपल, इंटीजर इंटीजर इंटीजर, तो रिजल्ट कैसा, इंटीजर। रिजल्ट क्या होना चाहिए, मस्ट बी इंटीजर। मस्ट भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर इंटीजर होना चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है जो एक्स होना चाहिए वो 30 का मल्टीपल होना चाहिए। एक्स क्या होगा, 30 का मल्टीपल होगा। अगर 30 का मल्टीपल है और ऑलरेडी ये कहा गया कि एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 1000 के बीच में है, 0 से 1000 के बीच में है, तब समझना ये है कि ये जो एक्स है वो किसका मल्टीपल है, 30 का मल्टीपल है। तो आप नंबर्स क्या क्या आ सकते हैं, 30 आ सकता है, 60 आ सकता है, 90 up to, ये सारे के सारे नंबर्स 30 के मल्टीपल हैं। बात समझ आ रही, 0 से लेकर के 1000 के बीच में सारे नंबर्स क्या हैं, 30 के मल्टीपल हैं। कितने नंबर्स होंगे ये, कितने नंबर्स होंगे, ये नंबर्स होंगे 33। ये नंबर्स कितने होंगे, 33। तो यहाँ पे जो रूट्स के बारे में बात हो रही है, रूट्स कितने होंगे, 33 होंगे। बात समझ आ रही, क्योंकि x की ये सारी वैल्यूज हो सकती हैं, x में भी 30, 60, 90, 990। तो रूट्स कितने, 30। तो रूट्स कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। रूट्स कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। रूट्स कैसे आ रहे हैं, रूट्स हमेशा इंटीजर आ रहे हैं, तो हमारे पास ये भी ऑप्शन हो सकता है, कितने हैं। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं। ब्रैकेट को आपको ध्यान रखना है कि ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए, तो हमने ब्रैकेट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो ब्रैकेट की प्रॉपर्टी वगैरह समझ में आ गई होगी आपको। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, दैट इज अ लीस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है। अब हम लोगों ने बात कर ली है ऑलरेडी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में और उसके क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे लीस्ट इंटीजर फंक्शन एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन के बारे में। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट बात करते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ये सिमिलर टाइप से ही होता है, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वैसे ही लीस्ट इंटीजर होता है। इसको हम कैपिटल ब्रैकेट ऑफ एक्स, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होगा दिस वन लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है।
और जैसे बात की थी हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में, लिस्ट इंटीजर में क्या होता है कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, राइट इंटीजर पकड़ते हैं, वहाँ पे क्या करते थे लेफ्ट इंटीजर पकड़ते थे, यहाँ पे क्या करेंगे राइट इंटीजर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? राइट इंटीजर के बारे में बात करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप नंबर लाइन पर कोई नंबर देखते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, ये हो गया -1, -2, -3, अगर मान लीजिए 0.5 है तो इसके बाद क्या होना चाहिए, 1 हो जानी चाहिए। इसके बाद कहाँ जाएगी, राइट इंटीजर पे जाएगी, ठीक है। और ब्रैकेट ऑफ 2 की वैल्यू अगेन 2 ही रहेगी, ध्यान रखिएगा सेम प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर अगर इंटीजर है तो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा, लेकिन अगर 2.1 हो गया तो इसके बाद कहाँ जाएगी, 3 पे जाएगी। अगर मान लीजिए माइनस का 2.1 हो गया, -2.1 यहाँ पर, तो आप कहाँ जाओगे, -2 पर, मतलब राइट साइड में। बात समझ में आ रही, कहाँ जाओगे आप, राइट साइड में। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर y की बात करें, अगर y ब्रैकेट ऑफ x है, स्मॉल ब्रैकेट ऑफ x है और ये लिस्ट इंटीजर है, तो ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू हमेशा ब्रैकेट ऑफ x से 1 अधिक होती है। बात समझ में आ रही है, ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा इससे 1 अधिक होगी, क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर हम इस ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट देखते तो इस कैपिटल ब्रैकेट देखते, 2.1 का कैपिटल ब्रैकेट देखा जाए तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, जबकि स्मॉल ब्रैकेट देखा तो इसके क्या है, 3 है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 का डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 1 का डिफरेंस हो गया। मतलब ये होता है स्मॉल ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस का कैपिटल ब्रैकेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इसमें भी एक चीज देख लीजिएगा, यहाँ पर भी जो रिजल्ट आते हैं वो सब इंटीजर्स आते हैं। रिजल्ट्स कैसे आते हैं, इंटीजर्स आते हैं। तो इसकी भी डोमेन और रेंज के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी डोमेन भी रियल होती है और रेंज इंटीजर्स होते हैं, क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और इसके ग्राफ के बारे में बात कर ली जाए तो एक रफली ग्राफ फटाफट बना देते हैं इसका, एक्स एंड वाई सिमिलर टाइप से आप स्टेप्स ड्रॉ कर दीजिए। ये 0 हो गया, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -1, -2, -3, ये हो गया 1, 2 एंड 3। एक चीज देखिएगा, ब्रैकेट x से ये 1 अधिक होता है, ठीक है। तो अगर बात की जाए 0 से 1 के बीच की बात, तो 0 से 1 के बीच क्या ग्राफ कहाँ जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे एक्चुअल में जो ब्रैकेट x के अंदर x है, वो x जो होता है वो हमेशा n प्लस 1 और n के बीच में बिलोंग करता है। तो ब्रैकेट ऑफ x की वैल्यू जो आती है वो आती है n प्लस 1। तो कहाँ जाते हैं, इक्वल टू के साइड में, कहाँ जाते हैं, इक्वल टू के साइड में, मतलब राइट हैंड साइड ये ब्लॉक होता है और ये ओपन होता है, ठीक है। ये ब्लॉक होगा और ये ओपन होगा। 1 से 2 के बीच की बात की जाए तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, अगेन यहाँ पे ओपन और यहाँ ब्लॉक होगा। 2 से 3 की बात करें तो कहाँ पे जाओगे, 3 पे जाओगे, ये ओपन, सेम मैनर आप यहाँ आएंगे, ये ग्राफ दिस वन। तो इस टाइप से आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, मतलब ब्रैकेट एक्स की ग्राफ को हमने क्या किया, 1 पॉइंट अप कर दिया, ब्रैकेट एक्स की ग्राफ को क्या किया, 1 पॉइंट अप कर दिया एक लेवल। तो ये इसका ग्राफ बन जाता है, ये हो जाता है लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। अब बात कर लेते हैं हम लोग फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन के बारे में, देन उसके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन को हम लोग y इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ x रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट ऑफ x रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी रियल नंबर जिसमें से आप इंटीजर को रिमूव कर दीजिए, कोई भी रियल नंबर जिसमें से आप क्या करेंगे, इंटीजर को रिमूव कर देंगे। मतलब यह है कि अगर मान लीजिए ब्रैकेट ऑफ एक्स को इस टाइप से लिखा जाए, एक्स माइनस का ब्रैकेट ऑफ एक्स, तो काम बन जाएगा अपना,
क्योंकि किसी भी रियल नंबर से आपने क्या किया, इंटीजर को रिमूव कर दिया। और यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ एक्स जो है वो है जीआईएफ, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो जाएगी। एक चीज और समझते हैं, अगर वाई की वैल्यू अगर फ्रैक्शन के अंदर कभी भी 0.1 दी गई है, 0.1 दी गई है, तो देखिएगा डेसिमल से पहले जो होता है वो इंटीजर होता है, और डेसिमल के बाद की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.1 आएगी। अगर y की वैल्यू अगर यही कही जाए 0.2 तो 0.2 होगी, y की वैल्यू कही जाए 0.3 तो वैल्यू क्या होगी, 0.3 होगी। सिमिलरली अगर y की वैल्यू दी जाए 0.99 तो वैल्यू क्या आएगी, 0.99 आएगी। लेकिन अगर y की वैल्यू अगर यही कही जाए 1.0 तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि डेसिमल के बाद क्या वैल्यू है, जीरो है। अगेन बात की जाए कि अगर y की वैल्यू है 1.1 तो अगेन 0.1 आ जाएगा। मतलब वैल्यू देखिए रिपीट हो रही है, वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। मतलब इसकी जो वैल्यू होती है, ध्यान से देखिए कि ब्रैकेट के अंदर जो है हमने कुछ भी वैल्यू लगा दी, लेकिन y की जो वैल्यू है वो डेसिमल से स्टार्ट होकर के वापस जीरो पे आ जाती है। मतलब मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 1 से कम रहेगी, 1 से कम रहेगी। तो मतलब जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन होता है y इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ x इज ऑलवेज बी लाई बिटवीन 1 to 0, ये इसका रेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही, तो फ्रैक्शन पार्ट का रेंज क्या हो गया, 0 से 1। और डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन की बात करें तो एक्स की वैल्यू होती है रियल नंबर, क्या होती है, रियल नंबर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बात की जाए इसका ग्राफ कैसा होगा, तो एक्स एंड वाई हो गया, ठीक है ना, हमने 1 ले लिया 2 ले लिया 3 ले लिया, इस टाइप से -1 -2 -3 एंड हमने ले लिया y = 1, ठीक है। ये 0 है, 1 2 3, -1 -2 -3, ठीक है, -1 -2 -3। अच्छा एक चीज़ सोचते हैं, जब ब्रैकेट के अंदर x है वही y है, तो x इज इक्वल टू y का मतलब क्या होता है, y इज इक्वल टू x लाइन जो होती है वो हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनाती है। और जैसे ही वो 1 होने वाला होगा यहाँ पर पहुँचेगा नहीं, होल्ड के दिखा दिया और वापस कहाँ जाएगा, जैसे ही ये यहाँ पहुँचेगा वापस वैल्यू क्या जाएगी, 0 आ जाएगी, फिर से वापस इसी टाइप से, फिर वापस इसी टाइप से। मतलब 1 के बाद क्या करता है, ये रिपीट करता है, ये ग्राफ क्या करता है, 1 के बाद रिपीट होता है, ठीक है। तो जब रिपीटेशन होता है तो इसको हम पीरियोडिक भी बोलते हैं, ठीक ना, वो सब चीज़ें हम आगे बात करेंगे। तो बात समझ में आ गई, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू को किस टाइप से मेंटेन करना है। अब बात हम करेंगे इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, और इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट ऑफ एक्स, एक्स माइनस का ब्रैकेट एक्स होता है, कर्ली ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है, कर्ली ब्रैकेट इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, क्लियर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब एग्जाम्पल्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन देख रखे हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का कैपिटल ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस कैपिटल ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस वन स्क्वायर, तो हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की, एक्स क्या होगा, ठीक ना, रियल, रियल माइनस का इंटीजर, रियल माइनस नेचुरल नंबर, अदरवाइज नन ऑफ दीज दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है बेटा, वो दिया हुआ है कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर दिया गया है प्लस का इन ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू दिया गया है एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस का ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस वन स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो स्मॉल ब्रैकेट है दैट इज अ लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन एंड अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, वो कैपिटल ब्रैकेट एक्स है। कैपिटल ब्रैकेट क्या दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और लीस्ट इंटीजर क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है। अच्छा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है आपको ये पता है ना, एक्स स्मॉल ब्रैकेट माइनस का कैपिटल ब्रैकेट इज इक्वल टू होता है 1। मतलब अगर आप चाहें तो कैपिटल ब्रैकेट ऑफ एक्स की जगह 1 प्लस का ब्रैकेट ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो
चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर काम कर लेते हैं। तो हम लोग पहले काम करते हैं, एक्स स्क्वायर दिया गया है प्लस का ब्रैकेट ऑफ एक्स का स्क्वायर है इज इक्वल टू, अगर हम इसे एक ऐसा कर लें कि ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस वन कंप्लीट कर लें और इसका स्क्वायर कर लेते हैं प्लस, इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस वन और कंप्लीट का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर पार्ट हम इससे अलग कर सकते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर कर ले बेटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वन माइनस का टू ब्रैकेट ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। प्लस का सिमिलरली यहाँ पे आएगा ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा प्लस का टू ब्रैकेट ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर सॉरी स्क्वायर, ये वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और देखा जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर कि अगर आएगा वन प्लस वन कितना हो गया बेटा, टू हो गया। और यहाँ पे माइनस का क्या जाएगा वैल्यू आएगी, टू अगर कॉमन ले ली जाए तो ये आएगा ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस का ब्रैकेट ऑफ एक्स, ठीक है बेटा। तो हम लोग यहाँ तक आ गए। अच्छा अब बात करते हैं कि ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू हम लोग क्या लिखिए, वन लिखिए। लेकिन एक चीज समझिएगा, ये वैल्यू वन कब है, ये वैल्यू अगर मान लीजिए एक्स नॉन इंटीजर है तो, अगर एक्स की जो वैल्यू है वो इंटीजर नहीं है तब का केस है ये, इसकी वैल्यू क्या होती है वन होती है। अगर एक्स इंटीजर है, अगर एक्स इंटीजर है इन दिस केस इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए फॉर एक्स इंटीजर, ये वैल्यू क्या होगी, सेम वैल्यू होनी चाहिए, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आ जाएगी। बात समझ में आ रही। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि अब इस केस के बाद यहाँ पे देखा जाए तो ये वैल्यू क्या दिख रही है, ये दिख रही है एक्स माइनस का ब्रैकेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स माइनस ब्रैकेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। ये वैल्यू किस केस के लिए है, ये वैल्यू वन इस केस के लिए जबकि वैल्यू क्या है, इंटीजर नहीं है, व्हेन एक्स नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो उस केस में हमारा जो सोल्यूशन आना चाहिए, तो सोल्यूशन क्या आएगा, इसका सोल्यूशन होगा रियल माइनस का जेड, रियल माइनस जेड आएगा, तो आर माइनस जेड आएगा। अगर मान लीजिए ये इंटीजर होता, अगर ये इंटीजर होता तो फॉर इंटीजर उस केस के लिए इसकी वैल्यू क्या होती, जीरो होती, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती, जीरो आ जाती। मतलब यहां पे क्या आ जाता है, जीरो इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाता तो जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाता, टू आ जाता, मतलब नॉट, तो नॉट सोल्यूशन। मतलब जब इंटीजर है तो उस केस में सोल्यूशन नहीं है। बात समझ में आ रही है। चलिए तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इफ ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस वन स्क्वायर इक्वल 25 दिया हुआ है, और ये जो स्मॉल ब्रैकेट को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब बात ये हो रही है कि एक्स स्क्वायर है और प्लस का एक्स प्लस वन स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बेटा 25 दिया हुआ है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको सॉल्व किया जाए। तो ये हो गया ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का, ये होगा ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस वन कंप्लीट का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 25। तो यहाँ देखा जाता है ये ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब ये टू टाइम्स हो जाएगा, प्लस का टू ब्रैकेट ऑफ एक्स आएगा, प्लस वन आएगा तो मतलब ये वन आएगा, इधर भेज दिया तो माइनस का 24 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। टू अगर हमने कॉमन ले लिया तो वैल्यू आएगी ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। चलिए बेटा इसका सिंपल सा फैक्टर कर लेते हैं। तो ये आएगा ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 4 टाइम्स ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस 3 टाइम्स ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। सो ब्रैकेट ऑफ एक्स कॉमन, तो ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस 4 माइनस 3 टाइम्स ब्रैकेट ऑफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पे आएगा प्लस का 4, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। चलिए बात करते हैं कि हमारे पास जो ब्रैकेट एक्स आ गया वो ब्रैकेट एक्स आ गया 3, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, ब्रैकेट ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 4, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अच्छा 3 कब होगा समझते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ध्यान रखिएगा। तो ये होगी 3 वैल्यू 2 और 4,
ठीक है, इस टाइप से हमने प्लॉट कर लिया। तो आपको ये पता है कि ब्रैकेट एक्स की वैल्यू कब होगी, जब 2 से लेकर के 3 तक के बीच की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सभी कहाँ जाएंगी, वो सभी जाएंगी 3 पर। मतलब जो एक्स होगा वो बिलोंग करेगा 2 से लेकर के 3 तक की वैल्यू को, 2 से 3 तक की सारी वैल्यू जो होंगी वो ब्रैकेट की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि राइट इंटीजर होता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई ये वैल्यू -4 कब होगी, तो हम बात करते हैं यहाँ पे -5 की, तो -5 से लेकर के जितनी वैल्यूज होंगी वो सभी क्या होंगी, -4 होंगी। तो x बिलोंग करेगा यहाँ पर -5 से लेकर के -4 तक, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप चेक कर लीजिए किसकी वैल्यू कहाँ है, तो -5 से -4 एंड 2 से 3 हमारे पास ये आंसर आ सकता है, ठीक है। 2 से 3 भी बोला गया तो ये भी आंसर हो सकता है हमारा, ठीक है। और कुछ ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है, तो ये हमारे पास ये आंसर्स आ जाएंगे, क्लियर है। तो समझ में आपको आ गया होगा कि ब्रैकेट और कैपिटल ब्रैकेट का यूज़ क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। और हम बात करेंगे अब नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शंस की,